स्टूडेंट्स हम अब जो मॉड्यूल कवर करेंगे दैट इज मॉड्यूल वन एट वन एंड दिस इज इन कॉन्टिन्यूएशन टू द एथिकल वैल्यूज इन अवर प्रोफेशनल लाइफ प्रोफेशनल एथिक्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रदर क्रिटिकल क्योंकि ये किसी भी इंसान क्योंकि एज ह्यूमन बींग हम लोग हर इंडस्ट्री में जो काम करते हैं इसी तरह जो डेटा साइंटिस्ट है उसका एक अपना रोल है और एथिकल वैल्यूज़ जो है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैंने आपको याद होगा कि मैंने पहले भी एक मॉड्यूल में बताया था कि जो डिफरेंट लोग किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं ना हमने डिफरेंट इंडस्ट्रीज की बात की दे हैव एक्सेस टू अ लिमिटेड इंफॉर्मेशन विच इज़ रिलेटेड टू ओनली देयर डिपार्टमेंट या उनका जो फंक्शन है लेकिन जो डेटा साइंटिस्ट है या डेटा एनालिस्ट है उसकी एक्सेस होती है पूरे की पूरी जो आपकी डेटा uh, पाइपलाइन है या पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस तो इसलिए आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एथिकल जो आपकी वैल्यूज़ हैं उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है जैसे कि जैसे यू यू आर वेरी क्रिटिकल कि यू कैन बी अ वेरी वेरी हार्मफुल पर्सन इन दी ऑर्गेनाइजेशन और एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़ायदा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचा सकते हैं इन योर रोल एज ए डेटा साइंटिस्ट तो एथिकल वैल्यूज़ दे आर इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग बट और यू इन दी आई टी इंडस्ट्री और एनी इंडस्ट्री और जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर डेटा साइंस का बहुत ज़्यादा जो है एप्लीकेशन होनी है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अब देखिए जो एल्गोरिदम्स फ़र्ज़ करें आप यूज़ करते हैं जो स्टेटिस्टिकल मॉडल आपने अप्लाई करने जो डेटा आपने यूज़ करना है तो आपकी जो उसमें भी एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है हमने जो सॉफ्ट साइड है उस वो अपनी जगह पे बट एट द सेम टाइम जो आपका नॉलेज है आपका एक्सपीरियंस है आपकी एक्सपर्टीज़ है उसको प्रॉपर यूज़ करना जो है दैट इज़ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल एथिक्स कि हमने ये बेस्ट फिट मॉडल्स की बात की हमने डिफरेंट स्टेटिस्टिकल जो मॉडल्स हैं उनकी बात की मशीन लर्निंग के एल्गोरिज्म की बात की तो ये अब आपको पता है एज़ अ डेटा साइंटिस्ट यू हैव मल्टीपल ऑप्शन कि जो आपने स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस में हमने बात की थी कि बेस्ट फिट क्या है आपका ओवर फिट आप ना करें लेकिन जो भी मॉडल आपने सिलेक्ट करना है टू एड्रेस अ सर्टन बिजनेस प्रॉब्लम यू हैव टू डू योर लेवल बेस्ट आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक यूज बेस्ट दैट इज़ वन ऑफ योर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी तरह फिर जो डेटा है कि आपको पता है कि डाटा के अंदर जो जो डिफ़रेंट रूल्स आप अप्लाई करते हैं आपने कौन से डायमेंशन सेलेक्ट करनी है कौन से आपने कॉलम उसमें से एक्सक्लूड करने हैं कौन से इंक्लूड करने हैं और फिर जो उसके ऊपर जो फ़र्ज़ करें स्टैंडर्ड डेविएशन आती है वेरिएंस आता है उन चीज़ों को या इसके अलावा जो और जो एक चीज़ है दैट इज़ स्टैटिस्टिकल बाइस तो यू हैव टू मेक श्योर एज अ प्रोफेशनल कि जो भी काम आप करें उसमें जो वेरियंस है जो आपका जो स्टैंडर्ड एविएशन है या बायस है ये चीज़ें कम से कम आनी चाहिए दे आर अन अवॉर्डेबल वी ऑल नो दैट कि ये चीज़ें आनी ही आनी है जब आपने स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग करनी है या आपने किसी भी तरह का एनालिसिस करना बट एज पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल एथिक्स यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये कम से कम हो और जो भी एस्टिमेशन आपने करनी है फोरकास्टिंग करनी है स्पेशली एज ए डाटा साइंटिस्ट यू हैव टू मेक श्योर कि वो दैट शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू द नेचुरल आउटकम ऑफ जो भी वो काम आप जिसमें भी आप प्रडिक्शन करने जा रहे हैं उसका जो भी नेचुरल आउटकम होनी होनी है या इन शाह होनी चाहिए वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ये कोशिश करें कि आप उस प्रोडिक्ट जो भी प्रडिक्शन आप करें जो भी बेसिकली आप एक तरह से यू आर प्रडिक्ट फ्यूचर ऑफ समथिंग मे बी वो एक कंपनी है एक प्रोडक्ट है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसमें या हमने हेल्थ साइंसिस की लाइफ साइंस की भी बात की तो अब जिस भी इंडस्ट्री में हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी प्रोडिक्शन कर रहे हैं जो भी बेसिकली दैट योर प्रोडिक्शन विल बी यूज बाय द मैनेजमेंट बाय डिसीजन मेकर टू मेक फ्यूचर पॉलिसीज राइट तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल अब जो इसकी जो प्रॉब्लम है डिफरेंट जो बेसिकली जो रीज़न है इसका अब देखिए कि मशीन डाटा प्रोड्यूस कर रही हैं एक तो चलो ठीक है आपने सर्वे से डाटा लिया अब मशीन्स डाटा प्रोड्यूस कर रही हैं अब उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है आईओटी से डाटा आ रहा है उसमें और एक जो चीज़ है ये कि वो ऑटोमेटिकली डाटा प्रोड्यूस हो रहा है आपकी एटीएम मशीन डाटा प्रोड्यूस कर रही है आपका जो आईओटी डिवाइसेस टी डिवाइस वो डाटा प्रोड्यूस कर रही है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है तो यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप वो देर इज़ समथिंग कॉल्ड डेटा कम्प्लीटनेस तो जो ऐसे अनरिलाइबल सोर्स से डेटा आता है यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस डेटा को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें उसके ऊपर जो भी आप उसकी एनरिचमेंट की आ, या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो भी आपका एक्सपीरियंस से आपको पता चलता है आप उसको प्रॉपर्ली हैंडल करें एंड मेक श्योर कि आपका डाटा जो है वो कम्प्लीट हो और फिर जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और ए है उसके लिए भी वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं बेसिकली एनी जो कि इंसान खुद कर सकता है वो अगर आप कंप्यूटर से करवाते हैं किसी ऑटोमेटिक तरीके से करवाते हैं दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइट जितनी भी हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं हम मशीन लर्निंग करते हैं डीप लर्निंग करते हैं ये सारा बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एंड वी हैव टू मेक श्योर कि जितनी भी हमारी मॉडलिंग हो वो जो है वो दैट शुड बी क्लोज टू ह्यूमन थिंकिंग जो हमारी इंसान की एक अप्रोच होती है बेसिकली अगर हम फॉर जस्ट फॉर अ सेकेंड इसको जस्ट कीप असाइड मशीन लर्निंग को या किसी और चीज़ को हम कंप्यूटर से करवाते क्या हैं एनी थिंग वी डू थ्रू अ कंप्यूटर टू एन ऑटोमेटिक सिस्टम इज़ बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो है क्या कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है हमारी देखिए एज ए ह्यूमन बींग वी आर स्टिल मच मोर इंटेलिजेंट इवन दैन द मोस्ट बिग और द सुपर कंप्यूटर और द सुपर मोस्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस इज़ डेफिनेटली सुपीरियर लेकिन वी हैव सर्टन लिमिटेशन कि हम एक काम बार बार करेंगे हम बोर हो जाएंगे वी हम कोई गलती कर सकते हैं जबकि कंप्यूटर को आप एक लूप में लगा दें सारी ज़िंदगी वो एक ही काम करता रहेगा वो कभी बोर नहीं होगा इसी तरह जो अगर आपने इसको किसी फ़र्ज करें किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए कंप्यूटर को हम यूज़ कर रहे हैं किसी कस्टमर रिलेशनशिप के लिए यूज़ कर रहे हैं कोई सेल के लिए कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हैं तो उसमें जो भी हमने इंस्ट्रक्शन सेट यूज़ किया जो भी हमने इंटेलिजेंस का कंपोनेंट उस अपने सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्ड किया है वो कंप्यूटर उसको हमेशा बिल्कुल उसी तरीके से करेगा कोई एरर आ जाए दैट इज़ पॉसिबल बट स्टिल दे आर वेज कि हम उस एरर को कंप्यूटर आपको बता देता है कोई थ्रेश होल्ड ब्रीच हुआ कोई सिस्टम में एरर आ गया कोई डेटा बेस का एरर आ गया तो वो सिस्टम आपको फ़ौर अलर्ट करता है कि कोई ना कोई एरर आया तो प्लीज़ इसको आप चेक करें तो जस्ट टू कंक्लूड दिस सेगमेंट ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आप कोई भी इंटेलिजेंस बिल्ड करें किसी भी सिस्टम में दैट शुड भी उसका जो तरीकाकार है, है वो दैट शुड बी द ह्यूमन ब्रेन वर्क दैट इज़ हाउ वी थिंक अबाउट Uh, you know, decision making or anything else. Thank you.